जिले की सबसे पर्व का पूर्व ले चुका है कजरी तीज का त्यौहार बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है, जहां लाखों कांवरियों ने तेज धूप और तपती सड़क पर नंगे पांव चलकर लगभग 35 किलोमीटर का सफर तय कर विभिन्न शिव मंदिरों में जल अभिषेक किया। वहीं आपको बता दें, राष्ट्रीय स्तर के मेले का रूप ले चुका ये त्यौहार प्रतिवर्ष शिव भक्तों की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस बार महिला कांवरियों की संख्या में भी इजाफा भारी हुआ है। इस मेले में हिस्सा लेने के लिए प्रदेश के कोने कोने से शिव भक्त आते हैं। लोग नदी में स्नान करने के बाद पूजन आराधना कर गोंडा नगर स्थित दुखहरनाथ महादेव मंदिर व गोंडा के गरखोपुर स्थित पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर में जल अभिषेक करते हैं। कजरी तीज जनपद गोंडा का सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसमें बाहर के जनपदों से भी और जनपद गोंडा से भी बहुत सारे श्रद्धालु अपना जल लेके आते हैं। सरयू जी से, सरयू घाट से, करनलगंज तहसील से वो दुखहरनाथ मंदिर जाते हैं जो गोंडा शहर में है, और पृथ्वीनाथ मंदिर जाते हैं जो करनलगंज से होते हुए गोकरण शिवाला होते हुए एक अलग रास्ते से जाते हैं। और हर साल जो हमारा आंकड़े कहते हैं वो तकरीबन 5 से 5.5 लोग जो हैं दोनों मंदिरों पे जलाभिषेक करते हैं। अभी तक जो हमारे अनुमान है पिछले 1 से 2 घंटों के अंदर तकरीबन 1 से 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने दोनों मंदिरों पे जलाभिषेक कर दिया है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सुबह के 5 बजे तक ज़्यादातर श्रद्धालु जो जल लेकर आए हैं वो जलाभिषेक दोनों मंदिरों पर करा देंगे। इस बार जो व्यवस्थाएँ कराई गई हैं वो सरयू घाट पर भी SDRF की टीम इसीलिए लगाई गई थी कि ताकि कोई ना कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिसमें किसी को कोई किसी की डूबने के कारण जब नहान करते हैं या जल भरने के समय कोई ऐसी स्थिति ना आए, तो SDRF की टीम लगाई थी। इसके अतिरिक्त भी अधिकतर प्रयास ये किया गया था कि लोगों को कहीं ना कोई परेशानी ना हो, श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। मंदिर के आसपास भी मार्ग प्रकाश की व्यवस्था की गई, जो अल्टरनेटिव व्यवस्था है अगर कहीं हमारी बिजली में कोई फॉल्ट आता है तो जनरेटर के माध्यम से पूरे मार्ग प्रकाश की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जो हमारे NGOs हैं गोंडा जनपद के, स्काउट एंड गाइड की टीम है जो हमारी, उन सबको इस में हमने शामिल किया है क्योंकि उनका बहुत सराहनीय सहयोग रहा है। बाहर के जनपदों से भी फोर्स मिली है, PSC की भी फोर्स इसमें लगाई जाती है और इसके साथ RAF की भी टुकड़ियां लगाई जाती हैं, जिससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना आए और हम सामान्य तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार को मना सकें। आज यहाँ पर गोंडा में दो बहुत प्रसिद्ध स्थान है, पृथ्वीनाथ और दुखहरनाथ जी। तो यहाँ पर श्री पृथ्वीनाथ में और यहाँ श्री दुखहरनाथ में ऐसा अभी बहुत जल्दी ट्रेंड पकड़ा हुआ है कि बहुत सारे नौजवान, तो आज लगभग 10 लाख की संख्या में, एक अनुमान है कि 10 लाख की संख्या में लोगों ने आज यहाँ पर जल चढ़ाने का कार्यक्रम किया है। और पूरे सड़क पे एक जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की तरह आज ये माहौल है। लोगों को लगता है कि हम सेवा और सरलता और साधना में लीन होते हुए अपना ये व्रत पूरा करें, तो इसलिए धर्म और कर्म दोनों यहाँ पर मिलकर अच्छा कर रहे हैं। तब से जब से ग्रेजुएशन शुरू की तब से लेकर आज तक लगातार 11 साल हो गया है, तो 11 साल से हम लोग करते आए और हर साल इसके लिए हम लोग इंतजार करते हैं कि कब कजरी तीज आएगी, कब हम लोग खूब चलेंगे, खूब लोगों से मिलेंगे। आज हम लोग पहले हम लोग सोचते थे कि ऐसे चलेंगे, दोस्तों के साथ ऐसे मनोरंजन करेंगे। इधर पीछे 3 साल से जब से हम लोग सरकार में आए हम लोग सोचते हैं कि कितना बढ़िया सुविधा दे दें ताकि हम भी इसमें चल रहे हैं। सब कांवरियों का दुख दर्द देख रहे हैं कि कंकड़ में से चल के कांवरिया आ रहे थे, आज उनको गजब की 4-लेन हाईवे मिली है, आम जन को एम्बुलेंस को इमरजेंसी सर्विस को देने के लिए रास्ते क्लियर हैं। तो मतलब ग्रामीण अंचल का और शहर का एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जैसा और आप देख सकते हैं कि लोगों का उत्साह कितना बढ़िया है, कहीं किसी को चोट नहीं लगी, कोई इंजरी नहीं हुई है। तो ये इससे लोगों में बड़ा अच्छा माहौल है और सरकार बहुत अच्छा काम कर, लोगों को अनुभव हो रहा है, सर लोग खुश हैं।